वीडियो में मैं बताऊंगा काजल अग्रवाल की जितने भी अच्छी फिल्में हैं उसकी हिंदी डब्ड अवेलेबल है कि नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा चैनल बेस्ट फाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। काजल अग्रवाल की जो पहली जो अच्छी फिल्म रही है वो है मगधीरा 2009 में रामचरण के साथ। सेकंड में जो अच्छी फिल्म रही है वो है आर्या 2 अल्लू अर्जुन के साथ। इसकी हिंदी डब्ड अवेलेबल है यूट्यूब में, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी मूवी की लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर 2010 में डार्लिंग मूवी में काजल अग्रवाल ने प्रभास के साथ बड़ी अच्छी रोल निभाई, बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिर उसके बाद 2011 में मिस्टर परफेक्ट में भी काजल अग्रवाल की पहली जो बॉलीवुड फिल्म रही है वो है सिंगम 2011 में अजय देवगन के साथ। इसके बाद मोहेश बाबू के साथ बिजनेसमैन मूवी 2012 में, फिर उसके बाद अक्षय कुमार के साथ स्पेशल 26 में। स्पेशल 26 काजल अग्रवाल की सेकेंड बॉलीवुड फिल्म थी, ये बहुत अच्छी रोल थी एंड ये मूवी बहुत अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके आप यूट्यूब लिंक देख सकते हैं, यूट्यूब लिंक के क्लिक करके आप इस मूवी को देख सकते हैं। फिर उसके बाद नायक मूवी रामचरण के साथ, फिर उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ ये अबड़ू मूवी बहुत अच्छी फिल्म है, आप इसको देख सकते हैं। 2014 में गोविंद डुडू अद्री भट्टले रामचरण के साथ मूवी की, इस मूवी में काजल अग्रवाल ने बहुत अच्छी रोल निभाई, बहुत क्यूट रोल था काजल अग्रवाल की, अब इस मूवी को देख सकते हैं, मैंने देखा मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिर 2015 में दो मूवी आई थी काजल अग्रवाल की, एक थी जूनियर एनटीआर के साथ टेम्पर और धनुष के साथ मारी लव स्टोरी और एक्शन टाइप की फिल्में है धनुष के साथ। फिर लास्ट में जो आती है वो है मार्शल विजय के साथ, ये मार्शल मूवी बहुत अच्छी फिल्म। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन देता रहूँगा साउथ मूवी के बारे में। धन्यवाद।